दिल धड़क रहा ना आपका भी, वोट तो पड़ गए, इम्तिहान खत्म, अब नतीजों की बारी। 23 मई सुबह 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर। ओके वाले प्रधानमंत्री जी ने न जाने कितनों को धोखा दिया होगा, लेकिन जो धोखा बनारस के लोगों को मिला है, ऐसा धोखा किसी को नहीं मिला होगा। जिन्होंने स्वच्छता का अभियान चलाया है, उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश से सफाया कर दिया है। तो बताओ, चौकीदारों की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? अखिलेश यादव ने 24 साल पुराने गेस्ट हाउस कांड की पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास की सबसे अविश्वसनीय कहानी लिखी। जाहिर है इसके पीछे नरेंद्र मोदी का खौफ था, लेकिन अब वो किंग मेकर बनना चाहते हैं। हम वाराणसी में आए हैं कि क्यूटो में आए हैं? और अगर क्यूटो में नहीं आए हैं तो देश को नया प्रधानमंत्री दीजिए, यही मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। अखिलेश यादव 2014 के चुनाव में 5 पद सिमट गए थे और विधानसभा में तो कहाँ गए पता ही नहीं चला। कमोबेश ऐसा ही मायावती के साथ भी हुआ। 2019 में फिर से ऐसा ना हो जाए, इसकी दहशत ने दोनों को साथ लाकर खड़ा कर दिया। ये बीजेपी के लोगों ने झूठ बोल करके और नफरत फैला करके सरकार बनाई, और एक झूठ नहीं बोला, न जाने कितने झूठ बोले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। अगर इनका पूरा का पूरा इतिहास उठा करके देखें तो आज जो इनकी सरकार बनी है, पूरी की पूरी झूठ के आधार पर बनी सरकार है। चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन पूरा देश उत्तर प्रदेश की ओर देख रहा है कि अखिलेश यादव ने मोदी और योगी के सामने मायावती की जो मूर्ति खड़ी की है, वो दिल्ली के तख्त तक पहुंचती है या नहीं।